ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वजाहत साहब, अभी हाल में एक निर्णय आया है और उस निर्णय को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप है। मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है, और इस विषय में मैं काफी चैनल्स वगैरह पे आया हूँ, मेरे विचार में इसमें गलतफहमी है, इसके नतीजे में घबराहट हो रही है। हम जानते हैं कि जब ये अधिनियम पहले लागू हुआ था और जब ये स्थापित हो गया था कि ये राष्ट्रपति पे भी लागू हो जाएगा, सेना पे भी लागू हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय पे भी लागू हो जाएगा, इन सब में पहले ये कोशिश थी कि ये ना लागू हो, कि हम इसके बाहर रहें। किंतु जब ये लागू हो गया तो किसी को शिकायत नहीं, अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से चल रहा है। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि मैं कहूंगा कि जो भारत सेना है, हालांकि उन्होंने और उनका बड़ा डेलीगेशन मुझसे मिलने आया, जनरल्स और वरिष्ठ अधिकारी जो इसमें सुरक्षा मंत्रालय के थे, मेरे पास आए, बड़ी भारी मीटिंग की, उन्होंने अपने जो शक थे मेरे सामने प्रकट किए। किंतु सेना में ही अब भारतवर्ष में सबसे अच्छा सूचना देने का जो मैकेनिज्म है इस समय है, उन्होंने बना लिया है, और क्योंकि उनमें डिसिप्लिन है तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सिस्टम है। सूचना का मतलब है केवल वो कागजात वगैरह जो रिकॉर्ड हैं, जो आपके मन में बात है, मैं आपको क्यों पसंद करता हूँ, आपको क्यों नहीं पसंद करता हूँ, मेरे मन में क्या था जब मैंने कहा कि आपको मैं टिकट दूंगा, इनको टिकट नहीं दूंगा, ये सूचना है ही नहीं, इसमें तो देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ लोगों ने कहा कि हम कैसे ये स्पष्टीकरण करेंगे कि किसको हमने, क्यों हमने इसको वोट दिया, ये तो मन में बातें होती हैं, आपस में बातचीत, वो तो रिकॉर्ड में बात है ही नहीं। ये जो अधिनियम है ये एक संपूर्ण अधिनियम है, ये सारे समाज पे हावी हुआ है, ये केवल सरकार पे नहीं हावी है। राजनीतिक दल ज्यादा परेशान, राजनीतिक दल परेशान है इसी वजह से कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय परेशान था, सेना परेशान थी, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो परेशान था, अब तो कोई परेशान नहीं। इसी प्रकार से मुझे आशा है कि वो भी परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें केवल वो चीजें देनी है। रिकॉर्ड का भी मैंने आपसे बताया कि क्या है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया गया है इसी अधिनियम में, धारा 2(i) में, और वो रिकॉर्ड है एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश एंड फैक्सिमिली कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बॉडीड इन सच माइक्रोफिल्म। इसमें एक आलोचना ये हुई थी कि ये रखते ही नहीं है, जो इनको डोनेशंस वगैरह मिलते हैं इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं, तो नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, उसको रखना या ना रखना आरटीआई का काम नहीं है, वे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इलेक्शन कमीशन आदेश दे सकता है कि ऐसे रिकॉर्ड्स आप रखिए, आरटीआई ऐसा आदेश नहीं दे सकता है, जो आपके पास है उसी को देने के लिए। और पहले से ही ये केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय से 2008 में ये निर्णय हुआ था कि जितने भी आपके फाइनेंसेस हैं, वे जो आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वे सार्वजनिक हो जाएंगे, और सार्वजनिक तब से हैं। क्या कोई बड़ा गदर हो गया, कोई बड़ी बड़ी क्रांति आ गई या बड़ा इनकलाब आ गया, नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। दूसरा, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो आपके हैं, जो चुनाव आयोग के सामने जाते हैं, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई भी प्राप्त करते हैं, जब भी इलेक्शन का ऐलान होता है, आप देखते हैं कि हर एक अखबार में निकल जाता है कि फलाने के पास इतनी प्रॉपर्टी है, फलाने के पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये पहले कभी निकलता नहीं था, और किसी को किसी इस बात से कोई घबराहट भी नहीं होती, किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी सारा निकल आता है। तो अब ये केवल ये इस निर्णय से क्या हुआ है, इस निर्णय से केवल ये हुआ है कि ऐसे नाक ऐसे पकड़ने की वजह आप ऐसे सीधे पकड़ा कि आप वो जाके वही सूचना जो दे रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड है, वही सूचना आप बराह रास्त आप सीधा जो 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 पब्लिक का आदमी है, जो सूचना मांगना चाहता है, उसको आप दे देंगे, किसी के जरिए नहीं देंगे, इसमें कौन से घबराने की बात। लेकिन एक मजेदार बात आपने नोटिस की कि पहली बार शायद इस तरह से दलीय सीमा को तोड़ के अक्रॉस द पार्टी लाइन सबने इस फैसले का विरोध, और मेरे विचार में क्योंकि उनकी समझ में ये पूरी बात आई नहीं है।
आमतौर से इस बात पे विवाद हो रही है सेक्शन 2H के तहत, जिसके तहत ये आदेश दिया गया है, जिसमें ये कहते हैं कि हम पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपको पता है चुनाव आयोग इनको नोटिफाई करती है, जब तक कि चुनाव आयोग इनको नोटिफाई ना करे मान्यता नहीं मिलती, मान्यता नहीं मिली, सिंबल नहीं मिला। तो चुनाव आयोग कैसे बनाया गया है? संविधान के तहत, तो दिस इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात मेरे विचार में कोई बहस की बात नहीं है, और इसमें स्वीकार करना चाहिए हर एक को, न केवल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये जो इसका फैलाव है और बढ़ेगा, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं या फर्म्स हैं या कंपनीज हैं जो पाएंगे कि उनको भी इसके तहत लाया जा रहा है। तो मैंने उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में कॉरपोरेट घराने भी इसके परिधि में आ जाएंगे। कई तो आ भी गए हैं, जैसे मैंने कहा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो तो कॉरपोरेट घराना है, वो इसके तहत है, और भी हैं ऐसे जो इसके तहत आए हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही ये दो बुनियाद, चुनाव नहीं, ये दो बुनियाद है लोकतंत्र के। लोकतंत्र के विषय पर हम बात करते आए हैं शुरू से, लोकतंत्र की दो पहचान, जवाबदेही और पारदर्शिता, दोनों कश्मीर की सरकार में अभी नहीं आए हैं, बाकी भारतवर्ष में काफी हद तक आए हैं, और ये जब आ जाएंगे ये सारे समाज में, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम संपूर्णतया लोकतंत्र हैं, वरना जब तक कि वो नहीं होता है वी आर ओनली अ पार्शियल डेमोक्रेसी। हाँ, पार्शियल डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये कोई लोकतंत्र ऐसा नहीं है संसार में भी, अमेरिका में भी, जो अपने को परफेक्ट कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वजाहत साहब आपको अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे चैनल से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक सी होती है।